तो यहाँ पे कोर्स है न्यूरो प्लास्टिसिटी, तो वो मैं आया हूँ, 3 महीने का ये, इसके इतने पैसे हैं, एक 6 महीने का इतने पैसे हैं। मैंने कहा कितने इवेंट है तुम्हारे? उन्हें कहा जी मेरे 2 इवेंट है। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं 8 मिनट में ये दोनों इवेंट आपके डिलीट करवा दूँ? अच्छा, आपके माइंड के अंदर इमेजिनेशन और रियलिटी की पहचान करने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है? आप जो इमेजिन करते हैं, आपका माइंड करता है यही रियलिटी है, और आप उस ट्रेशर में फेंक दो उसको, वो रेजा रेजा होके बिखर गया कहीं, ठीक है? आपके पास एसेंस आ गया, उसका सबक आ गया, वाकया गया, खत्म। आप जब दोबारा सोचेंगे आपको वाकया दोबारा याद नहीं आएगा। जी सलाम अलैकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह, मेरे साथ बड़े मोहतरम दोस्त एजाज खान साहब मौजूद हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पे, फाउंडेशन के चैनल पे एजाज खान साहब की वीडियोस आपने देखी होंगी, कई सवाल हैं जो मैंने इनसे पूछे और बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। खान साहब, मेरा सवाल आज ये है कि कोई भी शख्स, उसके साथ बुरा हुआ, कोई ट्रेजिडी उसे फेस करनी पड़ गई, कोई बड़ा चैलेंज उसकी ज़िंदगी में आ गया और गम मिल गया उसको, उस गम से निजात का रास्ता क्या होना चाहिए? अब वो आखिरकार तो आगे जाना है ज़िंदगी ने, गम से जान छुड़ाना चाहता है, गम ने उसको रोका हुआ है, फुल स्टॉप लग गया लाइफ को, गम को, माजी के गम को बुलाने का तरीका क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाह साहब बहुत शुक्रिया, ये जो एक मैसेज है आप जो कन्वे करवा रहे हैं अभी मेरे बहन भाइयों को, ये इतना ज़रूरी है स्पेशली इस मुआशरे में। हमारी ज़िंदगी में 5 से 10 ऐसे इवेंट होते हैं जो बचपन से लेके चल रहे होते हैं। हम किसी भी रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई दोस्ती हो, तो हम उस खारदार झाड़ियों में से घसीट के उस इवेंट को आगे अपने आज तक लेके आते हैं। रेजा रेजा हो जाती है वो चीज़, ठीक है? खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, उसके अंदर तफन पैदा हो जाता है उस नई चीज़ में। हो सकता है मेरे अल्लाह ने आपको इनाम दिया हो, अल्लाह ताला तो इनाम देगा, आप उसका ओवर टाइम ज़्यादा करेंगे वो आपको ज़्यादा इनाम देगा, आपकी तकदीर से भी ज़्यादा देगा, उसको रोकने वाला कौन है? बिल्कुल ठीक। हमारे ऊपर सोसाइटी है, कानून है, कल्चर है, बीवियाँ बड़ी सख्त रोकती हैं, बड़ी चीज़ें करती हैं, मगर अल्लाह को उसको पूछने वाला है कोई? वो कासिम अली शाह या एजाज खान या जो भाई ये जो कैमरा के पीछे खड़े हैं, ये जो लिख रहे हैं, इनको अल्लाह ताला कुछ भी अनायत फरमा दे, उसको रोक पूछने वाला कोई है? तो आपको इनाम मिलते हैं, फिर क्या होता है, आप उन इनामों को भी अपने माजी के खारदार झाड़ियों में से, तफन में से जो पड़े होते हैं। शाह साहब, आपकी ज़िंदगी में जो भी इवेंट है, मेरा अल्लाह ताला माँ है, जो वो कहता है मुझ पर गुमान करोगे मैं वैसे आपके लिए बन जाऊँगा, तो आप उसको वो प्राइमरी स्कूल के नौजुबिल्ला टीचर क्यों बना रहे हैं जो सिर्फ आपको मारता ही है और कोई उसको काम नहीं होता, या तो वो आपसे रटे लगवाता है आपको, नहीं मेरा अल्लाह ऐसा नहीं है, मेरा अल्लाह है, वो क्या बात है, कुर्बान जाओ मैं अल्लाह और उसके रसूल के। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना, तो आज से कोई महीना पहले मैं पाकिस्तान से आ रहा था, तो मेरे एक दोस्त है, तो वो आए और बैठ गए। अच्छा दोस्त, आपको ना बड़ा लाइट लेते हैं क्योंकि आपका बचपन गुजरा होता है, आपकी खुशियाँ, गमियाँ, शरारतियाँ, शरार सब कुछ आपके इकट्ठे होते हैं, तो अगर आप में कोई चेंज ले भी आता है तो सबसे आखिर में जो अडॉप्ट करते हैं वो आपके दोस्त होते हैं, ठीक है? ठीक, तो बैठे होते, तो मैंने उनसे कहा कि जी आप बड़े पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे CEO हैं एक बहुत बड़े इदारे के, तो मुझे कहते हैं कि यार मेरे माजी के ना डिसऑर्डर्स हैं 2-4 जो कि मुझे खुश नहीं होने देते, तो यहाँ पे कोर्स है न्यूरो प्लास्टिसिटी, तो वो मैं आया हूँ, 3 महीने का ये, इसके इतने पैसे हैं, एक 6 महीने का इतने पैसे हैं। मैंने कहा कितने इवेंट है तुम्हारे? उन्हें कहा जी मेरे 2 इवेंट है। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं 8 मिनट में ये दोनों इवेंट आपके डिलीट करवा दूँ? उन्हें कहा ये कैसे हो सकता है, एक मुझसे इतने हज़ारों पाउंड मांग रहा है। तो मैंने कहा तू मेरे लिए खाना ही खिला देगा? उसने कहा खाना तो आपके रेस्टोरेंट में बैठ के खा ही रहे हैं। मैंने कहा यार तू क्यों चंगी जगह खिला दे? कहता ये बहुत अच्छा। शाह साहब, मैंने उसे कहा है आपके तौसत से और अपने बहन भाइयों की, मैं वही की बात कर रहा हूँ कि वो जो एक बच्चा है जो माजी में, अच्छा हमारी यहाँ पे जो बहनें हैं, जो बेटियाँ मेरी, वो छोटी छोटी हरास में ना मुबतला है, और वो अपने पार्टनर से भी, अपने हस्बैंड से भी उतनी ज़्यादा उनको वो उस डिसऑर्डर से बाहर नहीं आ रही। लड़के हैं, किसी ने मारा है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने बेइज्जती किया है, किसी ने ताना दिया, अब उसके अंदर से उसको लेके चल रहे हैं, और उनकी वो जो एक परवाज़ है जिसे हम कहते हैं, अक्सर एक बात कहते हैं और एज अ विंग फ्लाई हाई विद इट, तो वो जो बच्चों की वो जो परवाज़ है वो नहीं हो रही क्योंकि किसी को कोई हरास है, किसी को कोई मसला है। मैंने उसे कहा एक मिनट, एक वाक्य निकाल, जो तो दो वाक्य, मैंने कहा 8 से 10 मिनट में हम इसका हल कर लेते। कहता ये कैसे होता? मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, मैंने कहा वो जो वाक्या है जो आपके साथ गुजरा है,
कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हर बंदा अपने जहन का वो एक वाकया निकाले जो उसके साथ उसको हॉन्ट करता है। मैंने कहा उसको टेबल पर रख लो अपने सामने, वो 6 से 12 इंच का होगा, ग्रीन कलर का, आप उसको अज्यूम कर लेना। अच्छा, आपके माइंड के अंदर इमेजिनेशन और रियलिटी की पहचान करने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है? आप जो इमेजिन करते हैं आपका माइंड करता है यही रियलिटी है। अगर आप किसी मुराकबे में जाते हैं और नेचर में जाते हैं, आप अपने आप को आगा करीम के रोज़ा मुबारक के सामने फील करते हैं तो वहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी, काबा के सामने फील करते हैं वहाँ से भी एनर्जी मिल जाएगी। माइंड को नहीं पता कि ये इमेजिनेशन है या रियलिटी है, माइंड है। तो मैंने कही सारी बात, तो आपने उसको रखा 6 इंच से 12 इंच का एक इस तरह के एक छोटा सा चकोर डब्बा ग्रीन, और उस इवेंट में से शुरू हो जाए आप, शुरू से उसका पूरा पेन लें पहले, इसको 5 मिनट लगते हैं। तो मैंने कहा उस पेन में ये कि आप किसी गले से गुजर रहे थे, मिसाल के तौर पे एक 4 लड़के खड़े थे, उन्होंने आपको मारा, आपके कपड़े फाड़ दिए और आपने वो बात किसी को नहीं बताई अपनी खफकी की वजह से, अपनी कि यार लोग क्या कहेंगे, आप बड़े तो हो गए मगर वो एक बच्चा अभी तक उस गली में मार खा रहा। तो मैंने कहा वो वाकया मेरे अल्लाह ने करवाया ना आपसे, तो मेरे अल्लाह ताला ने का मकसद आपको सजा या आपको शदीद किस्म की अजियत देना मकसूद नहीं था, वो मेरा अल्लाह ताला जो है ना हमेशा आपको लर्निंग देता, ठीक है जी, इधर वे आपको लर्निंग को लेनी ही लेनी है। तो मैंने कहा उस एक वाक्य से आप गुजरो और ये सोचो कि ऐसा क्या मैं कर सकता था कि वो इवेंट मैं अवॉइड कर लेता, मैं मार्शल आर्ट सीख लेता, मैं उस गली से उस वक्त ना गुजरता, मैं उससे प्लॉइडली बहुत एक, तो उसका एसेंस ले लो, उसका एसेंस ले लो और उसको टांग दो अपने जेन के एक कोने में, यार इस बॉक्स को, बॉक्स नहीं नहीं उस एसेंस को, उस पर से जो जो हम क्या कह, जो उस पूरे वाक्य में से जो एक सबक है, अच्छा लेसन है, लेसन है, वो आप ना उस वाक्य में से निकाल लो, ठीक है जी, और आपने उसको टांग देना है अपने एक बड़े खूबसूरत शब्द में, माइंड में, ठीक है जी, वो वाक्य आप उठाओ और आप फील करो कि ट्रेशर लगा हुआ और आप उस ट्रेशर में फेंक दो उसको, वो रेजा रेजा होकर बिखर गया, गई आपके पास एसेंस आ गया, उसका सबक आ गया, वाक्य गया खत्म। आप जब दोबारा सोचेंगे आपको वो वाक्या दोबारा याद नहीं आएगा, क्योंकि सबक अल्लाह ने, देखिए अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा या बुरा आपको सिखाने के लिए, माँ है ना, माँ कभी आइसक्रीम देके सिखाती है, कभी कहती है सीख लो, उसको पता चला ये वाला बच्चा ना आइसक्रीम वाला नहीं है तो जूती उठा लेगी, ठीक है, जूतियाँ मारेगी, फिर आप होमवर्क करेंगे, कभी आपको कहेगी कि टीवी नहीं देखना, होमवर्क करो, तो ये उसने आपको सारे वाक्य इसीलिए किए कि आप सीखें जिंदगी में मुस्बत किरदार अदा करें, मुआशरे को खुशबूदार बनाएं, ठीक है जी। तो वो वाक्य इसलिए था कि आप सीखें, हमने उस वाक्य में रहना नहीं है, तो जैसे ही आप उसको ट्रैश में डालेंगे और उसका जो सबक है वो टांगेंगे, दूसरे दिन फिर बैठें और वो फिर एक बॉक्स निकाल लें जो आपको तंग करता है, 1 महीने में शासम माजी से आपकी जिंदगी, रोज करना है जी, रोज कर ले, दूसरे दिन कर ले, व्हाटएवर यू फील लाइक, आप माजी से निकलेंगे ना तो हाल का मजा लेंगे। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत की होती है, अगर आपके टायर पंचर हो जाए ना गर्मी में, लोग बड़ा उफ उफ करते हैं, मैं कहता हूँ मजा लो, ये दोबारा नहीं आना, नहीं ये गर्मी का टेम्परेचर आएगा, नहीं ये टायर आएगा, नहीं आते 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 जाते लोग आएंगे, ये आपको ये इसको एंजॉय करके रिकॉर्ड कर लो, दोबारा तो नहीं आना, सारी जिंदगी इस गर्मी में टायर चेंज करते हुए तो नहीं गुजरेगी, इसको एंजॉय करो, आप उसको आप अपने हाल को एंजॉय करना शुरू कर देना। आपका जो गोल है ना वो अपनी जगह पे, मगर आपका गोल अपनी जिंदगी का हर सेकेंड बेहतर तरीके से जीना। देखिए डोंट टू डू मेरे अल्लाह ने बता दिया आपको, वो आपका एक जाविया भी दे दिए, वो आप जवाब दे दो लोगों के, जैसे हम बात कर रहे थे नहीं, या अपने आप को, जमीर को, या अपने अल्लाह को, बिल्कुल ठीक है, किसी तीसरे बंदे के मुआशरे के डर से फिर वो बुत बन जाएंगे ना, बीवी अलग बुत बन गई, दोस्त अलग बुत बन गए, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कुछ नहीं कहना, सही, वो तेज मंतशा वो तो मंतशा, जो मेरे अल्लाह ने कहना वही होना, बिल्कुल ठीक है। तो आपने वो तमाम जो आहिस्ता आहिस्ता जब वो तमाम हिस्से आप ख़त्म करते जाएंगे, एक वक्त आप सुकून का सांस लेंगे और आप ज़िंदगी में आज से जीना शुरू कर देंगे। तो कभी भी माजी के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। अगर आपका बचपन बहुत अच्छा गुजरा और आपका अभी वक्त, तो वो आपका ख़राब कर देगा आपके हाल को, अगर बुरा गुजरा तब भी माजी को आपने सबक लेना और उसके बाद उसको छोड़ देना। बहुत आला जी, मैं इसलिए दोहरा देता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ, गलती ना हो मेरे से भी, जो मैं समझ पाया हूँ, पहला लेसन ये है कि माजी में से कोई भी बुरे से बुरा वाक्य था उसमें से लेसन ले लेना, वो काम की चीज़ थी, और बाकी जो कुछ है उसको ट्रैश कर, आप क्रश कर दें, उसको फेंक दें, उसको भूल जाएँ और लम्हे हाल में रहें, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। आप लम्हे हाल में जितना रहेंगे माजी से आपकी जान छूटी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।